तो गाइस कैसे हो आप सब। मैं माफी चाहूंगा आप सब से कि हम लोग थोड़ा लेट लाइव आए, लेकिन अभी मेरी बात हो गई है पुनीत भाई से। वो ये मान लो कि 2 मिनट के अंदर हमारे साथ लाइव में ज्वाइन होने वाले हैं। वी लव एमसी स्टैंड। अच्छा ओके, कोई बात नहीं भाई, अभी लाइव जोड़ रहे हैं, फिर पुनीत भाई से भी पूछ लेते हैं, बाकी सबके भी बता देंगे हम कौन किसको कितना पसंद करता है। हेलो भाई कैसे हो आप, लॉर्ड पुनीत को बुलाओ बस भाई। पुनीत भाई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। मैं आप सब से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि 10:30 का टाइम दिया, फिर 11 का टाइम दिया, लेकिन 12 बजे मैं लाइव आया हूं, 12:05 पे। मैं इस चीज के लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि पुनीत भाई पब्लिक के बीच फंस गए थे, फैंस के बीच फंस गए थे। उन्होंने हमें वीडियो पर दिखाया भी कि भाई देखो मैं यहां फंस चुका हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं यहां से। बाकी कोई बात नहीं भाई, पब्लिक का प्यार है, वहां भी पब्लिक का प्यार जरूरी है, यहां भी पब्लिक का प्यार जरूरी है। देर सही लेकिन आए जरूर। और अब हम बस 5 मिनट के अंदर पुनीत भाई को हमारे साथ लाइव के अंदर जोड़ने वाले हैं और मजा आने वाला है इस लाइव में, और जानेंगे कि बिग बॉस में क्या क्या चीजें हुई पुनीत भाई के साथ और क्यों इतना गुस्सा हुए पुनीत भाई बिग बॉस से। वो मौत का खेल कर रहे होंगे। बिल्कुल भाई, मौत का खेल तो हर जगह चलता है पुनीत भाई का। भाई इंदौर कब आ रहे हो, बहुत जल्दी आ रहा हूं भाई। लॉर्ड बिजी है आज। नहीं 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 भाई, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। मैं मेरी वीडियो कॉल पे जब हमने देखा कि भाई वो पब्लिक के बीच फंस गए, तो फिर थोड़ा सा हमें लगा कि नहीं यार भाई पब्लिक के बीच फंस गए, और वहां भी प्यार जरूरी है। एक 5 मिनट के अंदर हम लाइव में ऐड करने वाले हैं पुनीत भाई को, और अब मैं देखने वाला हूं कि पुनीत भाई लाइव में आए हैं या नहीं आए हैं। अभी तक तो नहीं आए हैं, एक बार और देख लेते हैं एक बार और। तो एक बार जैसे ही पुनीत भाई वैसे लाइव आएंगे, वैसे तो 5 मिनट का बोला है बट अभी 1 ही मिनट हुआ है और अभी हमें पता चलने वाला है। बीबी के बीबी बिग बॉस, अच्छा ओके, बिग बॉस के स्टॉक्स के। अरे भाई कब आओगे इंदौर। भाई मैं इंदौर आ चुका हूँ। एक सेकंड भाई, आप आ गए बढ़ो, हम आपके भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल भाई, हम सब भी एक दूसरे के साथ हैं, तभी सब एक दूसरे को आगे बढ़ा पाएंगे। और पुनीत भाई के साथ हैं अभी हम इस वक्त, क्योंकि पुनीत भाई के साथ गलत हुआ, क्योंकि ये शो था जब बिग बॉस में कहा गया कि अब जनता है बॉस, तो फिर जनता है बॉस तो वहां पर बैठे 6 शख्स को जज क्यों बनाया गया। जब जनता बॉस थी तो क्यों पुनीत भाई को बिग बॉस के शो से बाहर निकाला गया। जब जनता बॉस थी तो क्यों बिग बॉस के कंटेस्टेंट से वोटिंग ली गई कि पुनीत को रखना है नहीं रखना है। जब जनता बॉस थी तो क्यों पुनीत को शो में बुलाया भाई, जब आपको बाहर निकालना था तो फिर जनता को बॉस क्यों बनाया। बिग बॉस पुनीत भाई के जूते के नीचे। अरे नहीं नहीं भाई, पुनीत भाई ने थप्पड़ दिया है बहुत जोर का। आप कहां हो, मैं इंदौर में भाई। पुनीत भाई बनना है हमें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बनो। और अब हम देखते हैं कि पुनीत भाई हमारे साथ लाइव में है या नहीं, कंफर्म कर लेते हैं। वैसे उन्होंने मेरे को 2 मिनट ही बोला था, पर मैंने आपको 5 मिनट बोला, क्योंकि आज बहुत ज्यादा फंस रहे हैं वो लाइव इधर उधर से। तो अब हम क्वेश्चंस भी हमारे पास रेडी है, पुनीत भाई से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। मोनिश भाई खाली नहीं है, अब कुछ बचा भी नहीं है, कुछ बचा भी नहीं है बिग बॉस में, मोनिश भाई का कहना है। पुनीत भाई हमारे साथ लाइव में आ चुके हैं और हम पुनीत भाई को अब लाइव में ऐड कर रहे हैं, और ये बहुत धमाकेदार लाइव होने वाली है। और मैं एक बार देख लेता हूँ पुनीत भाई ने हमें रिक्वेस्ट भेजी या नहीं। और पुनीत भाई का यहाँ पर लाइव हाई आ चुका है और गो विद लाइव आ रहे हैं हमारे साथ पुनीत भाई। जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और 1 मिनट और लगेगा मेरे हिसाब से। पुनीत सुपरस्टार हमारे साथ, हमारी और हमारे साथ पुनीत भाई। पुनीत भाई क्या हो गया अंधेरे में। अरे अरे उजाले में, उजाले में। बढ़िया भाई। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जियो सिनेमा आईपीएल के बाद मैंने अनइंस्टॉल मार दिया था।
क्योंकि भाई जिसके साथ धोखा हुआ भाई, जिसके साथ गेम स्विच किया जाता है तो उसको अनइंस्टॉल मार दो, जितना अनइंस्टॉल मार सकते हो मार दो भाई। पुनीत भाई मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आईपीएल के बाद मैंने जियो सिनेमा सिर्फ आपके लिए इंस्टॉल इंस्टॉल किया था, क्योंकि पुनीत भाई से दिल से प्यार है, इसलिए कि भाई देखना है सिर्फ पुनीत भाई को। भाई यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, बस यही वाली बात है, टैलेंट की भाई कदर नहीं होती, और जहाँ पे टैलेंट होता है उसको पैसे से और सोर्स से और पैसे। पुनीत भाई आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, अगर वहां पर वाईफाई अवेलेबल हो तो प्लीज आप थोड़ा सा कनेक्ट कर ले। तो हमारे साथ हैं अभी पुनीत भाई, जियो सिनेमा की रेटिंग गिरा दो यार। पुनीत भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार रिजॉइन हो जाए, या तो फिर एक बार अगर हो सके आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो वहां पर तो आप कनेक्ट करें। और यहाँ पर अभी पुनीत भाई हमारे साथ लाइव में नहीं है, फिर से हम एक बार और रेड करेंगे पुनीत भाई को, क्योंकि ये लाइव होना वाला है बहुत जबरदस्त। देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है। चालू करना, ऑफ कर दिया तुमने, अब ऑन ठीक हो जाएगा, ऑटो हो जाएगा। तो भाई हमारे साथ पुनीत भाई, अब वापस से ऐड करेंगे हम पुनीत भाई को। पुनीत भाई अगर आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो प्लीज आप कहाँ चले गए, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। भाई हमारे साथ लाइव में फिर से आएंगे, एक बार कॉल कर। वाईफाई कनेक्ट करो, हमारा नेटवर्क बढ़िया है। हमारा नेटवर्क भाई एकदम सही चल रहा है यहाँ पे, लॉट फॉर अ रीजन। बिल्कुल भाई, पुनीत भाई का नेटवर्क प्रॉब्लम आया इसलिए वो उन्होंने लाइव अभी एंड कर दिया है, लेकिन आप लोग लाइव में बने रहे, पुनीत भाई हमारे साथ फिर से लाइव में आने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं भाई, सेल चालू है जब भी तो चल रहा है। क्या शो नहीं हो रहा कुछ। दबाया ऐसा तूने, ला मेरे को दे। तो गाइस 2 मिनट के अंदर पुनीत भाई हमारे साथ फिर से लाइव आने वाले हैं, जब तक के मैं देख लेता हूँ ये एमसी स्टैंड छपरी समझता है क्या अपने आप को। भाई ये तो मेरे को पता नहीं भाई, आप कोई प्लान करें। बिल्कुल करेंगे भाई, तो गाइस पुनीत भाई हमारे साथ फिर से लाइव में आने वाले हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है और अभी हमारी उनसे कॉल पे बात हुई है। कर रहा मैंने देखा अपने नेटवर्क सही है, खोल के देखो। अरे मेरे इसमें खोल के देखो, मेरा लाइव खोल के देखो एक बार, आवाज कम कर लेना। रॉबिन भाई ब्लर आ रहा है। बिल्कुल भाई मैंने अभी नेटवर्क चेंज कर लिया अपना, अभी देखना अभी आने वाला होगा सही। तो गाइस हमारे साथ फिर से पुनीत भाई लाइव में ऐड होने वाले हैं। भाई आई गेस आपका नेटवर्क में इशू है। अब तो कर लिया मैंने चेंज। तभी सही है सुनूंगा, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक सुनूंगा नेटवर्क। तो पुनीत भाई अभी हमारे साथ लाइव में आने वाले हैं और देखते हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं वो। पुनीत भाई हमारे साथ लाइव में आ चुके हैं एक तरीके से। पुनीत भाई क्या हाल है भाई, क्या हाल है। मैं बढ़िया, अभी मेरा नेटवर्क सही है, आपका नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है।
ठीक है, आप सही है। चलो अभी और फिर बताओ। अभी आप बताएं कि क्या चीजें हो गई ऐसी जो आप पहले ही दिन बिग बॉस के घर से बाहर आए। भाई वही टैलेंट दिखा रहा है, दरअसल मेरा टैलेंट लोगों से झेला नहीं गया और मैंने एक ही दिन में जो है आग लगा दी। और दूसरी बात है भाई, मैं जो कमाता हूँ, जो मैं पैसा कहीं से इधर उधर से लाता हूँ, मैं 10,000 कमाता हूँ तो 5,000 गरीबों में दान कर देता हूँ, खाना खिला देता हूँ लोगों को। लोगों से बर्दाश्त हुआ नहीं, लोगों ने अपने प्रोड्यूसरों की लगा ये शो का विनर है और ये शो जीत जाएगा, इसलिए लोग डर गए और लोगों ने अपने जो है सोर्स का सारा लेकर तो और मेरे को जो है घर से बाहर निकलवा दिया जानबूझ के। भाई हमें भी बहुत बुरा लगा क्योंकि हमने दिल से जियो सिनेमा डाउनलोड ही पुनीत भाई के लिए किया था। पहला हमने आईपीएल के लिए किया था और वहां भी हमारे फेवरेट थे एमएस धोनी। दूसरी बार हमने जियो सिनेमा डाउनलोड किया था सिर्फ पुनीत सुपरस्टार के लिए और पहले ही दिन बाहर निकले भाई हमें बहुत बुरा लगा भाई, क्या ही बताऊं मैं आपको। एक बार लाइव चालू रखो ठीक है, यहाँ पे मेरा सही आ रहा है, किसका अटक किस तरह वो समझ में नहीं आ रहा। रिकनेक्टिंग और अभी हम समझ लेते हैं, लो मेरे को देना क्वेश्चन का लिस्ट। भाई अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किसका नेटवर्क स्लो है। बिल्कुल बिल्कुल, पुनीत आप सही भाई है, आप सही है, आप सही है। अब सही हो गया है? कहाँ सही है, अभी सही है पुनीत भाई? कौन हमारा नजर भाई आपकी आवाज आ रही है मुझे? आवारा है, आवारा है। बिल्कुल भाई अभी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो पुनीत भाई अभी हमने आपके लिए दो तीन ऐसे सवाल रखे हैं जो टैलेंट की कदर नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और यहाँ हम गरीब बंदों की मेहनत नहीं है, गरीब बंदों का, गरीब लोगों का टैलेंट नहीं है भाई, हकीकत बात भाई बताऊं बिल्कुल दोरी भाई। आपकी बात सही है। काफी चीजों में मैंने भी बहुत जगह ट्राई किया काफी चीजों में, क्योंकि आप पब्लिक को हंसाते हैं कहीं ना कहीं, मैं भी छोटा मोटा काम करता हूँ पब्लिक को हंसाने का। बिल्कुल और भाई, तो मैं भी कई जगह ट्राई करता हूँ, कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर भाई हर जगह सिर्फ पैसा ही काम आता है। हर जगह तो नहीं पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां सिर्फ पैसा काम आता है, जहां आपका टैलेंट काम नहीं आता है। पुनीत भाई अगर हो सके तो आप किसी का मोबाइल का नेटवर्क ले लें। अभी सही है आप, अभी सही है, आप सही है, आप सही है। बिल्कुल सही है पुनीत भाई। अभी इंस्टाग्राम की जनता जो है आपको सपोर्ट कर रही है एकदम जबरदस्त तरीके से, आपको इंस्टाग्राम की जनता आपको सपोर्ट कर रही है। तो अभी आप बताओ यार, बिग बॉस में एक दिन रहने के बिल्कुल बाद आप बिग बॉस में बाहर आए हो जी पुनीत भाई? भाई, पुनीत भाई आए एक दोरी भाई दिन बोलो। बाद, मैं बोल रहा हूँ जनता, हिंदुस्तान की जनता आपको इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है, इतना प्यार कर रही है, एक दिन के अंदर आपने पूरे इंस्टाग्राम को हिला दिया है, आपको कैसा फील हो रहा है मुझे बताओ। भाई बिल्कुल मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पूरा हिल चुका है और हर नाम है इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर जो बॉलीवुड से जुड़े हैं, वो भी मेरे को अपनी स्टोरी पर रीशेयर कर रहे हैं कि पुनीत भाई के साथ गलत हुआ है, एक गरीब इंसान का मजाक उड़ाया गया है, एक अकेले बंदे का, क्योंकि अकेले सहारा नहीं लिया इंस्टाग्राम पर, या किसी के साथ वीडियो नहीं बनाता, मैं अकेले बनाता हूँ, मेरी वीडियो में कोई साउंड नहीं होता, मेरी वीडियो में कोई बैकग्राउंड नहीं होता, मेरा कोई मोबाइल अच्छा नहीं है, लाखों रुपए का अच्छा नहीं है, मेरा मोबाइल ओनली 20 से 25 हजार रुपए की कीमत का मेरा मोबाइल है, और जो भी काम करा मैंने अपने खुद से किया है, आप देख रहे हो मेरी वीडियो में कि पुनीत भाई आपको शुरू से ही जानता हूं लेकिन मैं जी। बॉलीवुड वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने सोर्स का उन्होंने सारा लेकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया अपने पैसे के दम पर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ये बॉलीवुड की लाइन बिल्कुल नकली है, यहाँ पर इसको बिल्कुल भी मत देखो, ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि आदमी, क्योंकि मैंने ये देखा है बॉलीवुड में आके आदमी डिप्रेशन में आके सुसाइड क्यों करते हैं, वो इसलिए ही करते हैं, वो इसलिए ही सुसाइड करते हैं कि जब बॉलीवुड में बंदे आते हैं ना तो उनसे उनका हक छीन लिया जाता है, एक दो फिल्में लेने के बाद उनसे पब्लिसिटी के लिए चाहिए होती है, तो जैसे जियो सिनेमा ने बिग बॉस वाले ने पब्लिसिटी के लिए मुझे बुलाया, पब्लिसिटी मिल गई, लाखों लोगों ने डाउनलोड करा, उसके बाद जो है मुझे उन्होंने बाहर कर दिया जहां पब्लिसिटी मिलते ही। पुनीत भाई मैं सच तो सही कह रहा हूँ, आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ है ये। और आप आपके माइंड में कभी भी कोई भी ऐसी गलत चीजें आए बिल्कुल आप ना सोचे,
मैं चाहता हूँ आप 100 साल क्या, 150 साल क्या, 1000 साल जिए और हमें 1000 साल ऐसे हंसाते रहे, हिंदुस्तान की जनता को 1000 साल ऐसे ही हंसाते रहे, गरीबों का और बिल्कुल भाई, सबका बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल ध्यान रखते बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और पुनीत भाई, आपके शो में दो लोग थे, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा साइरस बरूचा का, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ एंटोनी भाई बोलो। पुनीत भाई, मैं दो एक बंदे का बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, साइरस बरूचा के बारे में, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भाई उनके बारे में यही बोलना चाहूंगा कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो जो है उन्होंने पैसा खिलाया है, और पैसा खिला के वो अपने काम में हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पे खबर आई है कि उन लोगों ने पैसा, जितने भी बंदे मिले हुए थे अंदर टीम वाले या जो भी थे, उन्होंने पैसा दिया मोटा कि पुलिस सुपरस्टार को बाहर निकलवा। पुनीत भाई आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। पुनीत भाई आपका अब देखो नेटवर्क आ बार रहा है कि बार नहीं आ रहा कट है। रहा है। नहीं पुनीत भाई, नेटवर्क तो आपको आ जा रहा है लेकिन बार बार कट जा रहा है, हैंग हो जा रहा है बिल्कुल ही। तो आप एक बार हो सके तो देखो ना, अगर कोई अच्छा नेटवर्क हो जहां पर आप अगर अवेलेबल हो पाए नेटवर्क, या किसी का मोबाइल हो या किसी का हॉटस्पॉट हो, अच्छा अगर नेटवर्क कनेक्ट कर पाओ। गाइज आप लोग लाइव में सब बने रहे हैं क्योंकि काफी सारी बातचीत हमारे साथ होने वाली है पुनीत भाई की, और काफी सारी चीजें हैं। एक बार विक्की भैया को कॉल कर। तो गाइज थोड़ी देर और रुके हैं, पुनीत भाई फिर से हमारे साथ लाइव आएंगे, काफी सारी बातचीत हमें करनी है और काफी सारे नेटवर्क इशू आ रहे हैं पुनीत भाई को। एक बार और दादा क्या हुआ नेटवर्क का? दादा मेरे आईडी पे है ना अभी? एक 5 मिनट और रुक जाओ, मेरे पास एक दो क्वेश्चन है। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो गाइज 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट बोला है उन्होंने, 2 मिनट में फिर से लाइव आ रहे हैं वो। और फिर से हम लाइव आएंगे। और पुनीत भाई जियो की सिम यूज मत करो। भाई पहली बार बिग बॉस देखने जा रहा था। सही बात है भाई, वाईफाई से कनेक्ट कर लो पुनीत भाई ब्रो, फिर कॉल नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, पुनीत भाई अभी फिर से कनेक्ट कर रहे हैं दूसरा नेटवर्क, और उसके बाद हमारे साथ फिर से लाइव आ रहे हैं। हम फिर से उनसे बातें करेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो गई, सारी बातें हम लोग उनसे क्लियर करेंगे। पुनीत सुपरस्टार एक दिन कंटेस्टेंट प्लस बिग बॉस दोनों की। पुनीत भाई इंस्टाग्राम सर्वर हैंग। हाँ भाई खतरनाक पब्लिक हो गई ये भी पुनीत भाई की, और सही भी है। तो अमन जियो ने कनेक्शन काट दिया पुनीत भाई का। बढ़िया यार, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। पुनीत भाई इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन कर रहे हैं बिग बॉस के बाद। खाटू नरेश की जय। बिल्कुल खाटू नरेश की जय। पुनीत भाई से बिग बॉस वाले जलते हैं। दादा आप मैं ही बता दूंगा। पुनीत भाई हमारे साथ फिर से लाइव आ गए, तो एक बार और पुनीत भाई को लाइव ले लेते हैं। और एक बार उसमें खोल के रखना कि नेटवर्क अपना तो बेकार नहीं हो रहा है, एक बार ना खोल के रखना उसमें, बस आवाज में चलने देना। तो पुनीत भाई हमारे साथ फिर से लाइव में ज्वाइन होने वाले हैं। रॉबिन भाई व्लॉग कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा। केदारनाथ का व्लॉग, मैंने भाई केदारनाथ का व्लॉग बनाया नहीं था,
एक्चुअली हम लोग केदारनाथ जाने जाते समय इतनी सारी चीजें, वही मोबाइल डिस्चार्ज हो गया क्योंकि हम पैदल जा रहे थे, तो उस बीच हमारा ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। तो अब हम पुनीत भाई को ऐड कर रहे हैं हमारे लाइव सेशन में। आ जाओ भाई, कहाँ गए? गलत चीज लगती है यार, पता है लोग जानबूझ के कॉल करते हैं जब भी पता चलता है ना कि लाइव है। तो गाइज अब हम पुनीत भाई को ऐड कर रहे हैं हमारे लाइव में। इस चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता। जियो की सिम यूज कर रहे हैं पुनीत भाई। पुनीत भाई से पूछो एमसी स्टैंड। भाई सारे क्वेश्चन मेरे पास रेडी है, मैं सारे क्वेश्चन पुनीत भाई से अभी कंप्लीट यहां पर पूछने वाला हूं, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम है। पुनीत भाई लाइव ऐड करो, एक बार उठा ले कॉल। करूँ ऐड? पुनीत सुपरस्टार अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है। अब कर रहा है, मैंने फिर से रिक्वेस्ट भेजा है। अभी हमारे साथ पुनीत भाई, क्या कर रहे हो यार? दिल बस तोड़ बढ़िया रहे हो? भाई दिल तोड़ रहे हो? अब आप इंस्टाग्राम की जनता को थोड़ा सा बता दो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। भाई। इंस्टाग्राम की जनता ने जो प्यार दिया है, जो यहां तक पहुंचा है, इंस्टाग्राम की जनता ने पूरा इंस्टाग्राम हिल गया है। क्योंकि इससे पहले मैंने इतने शो देखे, रियलिटी शो देखे, लाखों बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है उनको निकाल देते हैं शो से बाहर, लेकिन कोई किसी का ध्यान ही नहीं रखता। लेकिन मेरा लोगों ने इतना दिल पे ले लिया है, इतना दिल पे ले लिया भाई, पूरा वाकई में सच में अरे इंस्टाग्राम हिल गया प्यार भाई, पूरा का पूरा करते हैं सब आपसे, प्यार करते हैं भाई। सब प्यार आपसे करते, प्यार भाई। करते हैं, और मुझे मुझे अभी किसी की कोई जरूरत भी नहीं है बॉलीवुड वॉलीवुड की। बाकी ये है कि भाई इंस्टाग्राम का प्यार मिला वही बहुत है भाई। भाई एक बात बताऊं, आपके पास जो फॉलोअर्स है ना, वो आपके फॉलोअर्स नहीं है, वो आपसे सब प्यार करते हैं, तभी बिल्कुल आपके भाई, साथ इतने बिल्कुल सपोर्ट में है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल और यहां तक कि मेरे जो फॉलोअर्स है वो भी आपके फुल सपोर्ट में है। पुनीत भाई, साइरस बरूचा के बारे में हमें बताओ कि भाई वो कैसा इंसान है और क्या है। भाई। मैं इंसान देखो, मेरी बात सुनो, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक दिन घर में रहा हूं और मेरे को इंसान के बारे में एक दिन का नहीं पता लगता। लेकिन इतना मुझे पता है कि भाई मेरा टैलेंट देख के सब डर गए और गेम फिक्स कर दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाख रुपए खिलाया गया है भाई मेरे को निकलवाने के लिए। इस बात का मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ भाई, क्योंकि हो सकता है लोगों भाई, ने जो आप पैसा कह रहे हैं कट्टा बिल्कुल जो सही है। और काफी हद तक हमें, जब आप पहले दिन हमें अपने हमने आपको वहां पर देखा ना, तब हमें ये पता चल गया था कि भाई ये विनर है। हमने आपस में हाँ दस लोग भाई, भी बैठे थे ना, तभी हमने बोल दिया था कि भाई ये विनर है। और आपकी एक लाइन है बहुत फेमस कि किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। बिल्कुल तो बिल्कुल भाई, किस्मत में होगा तो खुद अब चल के बिग आएगा, बॉस लेकिन कहीं ना। के अब बिग बॉस के किस्मत में होगा तो पुनीत भाई फिर रिटर्न जाएगा, नहीं तो बिग बॉस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, और शो की टीआरपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई डाउनलोड नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, खत्म हो चुका है। क्योंकि गेम फिक्स कर दी गई, क्योंकि जब पुनीत सुपरस्टार ने अपना टैलेंट दिखाया, जब वहां पे हल्ला मचाया, क्योंकि ये इतिहास का पहला ऐसा शो था जो एक दिन में आग लग गई पूरे 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 शो में। और मैंने ओरिजिनल जेनवन तरीके से अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करी, और मैं 2 नंबर में था भाई। जब मैंने एंट्री करी ना तो मैं 2 नंबर में था, 2nd नंबर में था मैं, और अंदर घुसने के साथ में। हाँ अगला मेरा टॉपिक वही था कि आप 2 नंबर पे थे जब ये जनता बताने वाली थी, जनता इस बार बॉस थी कि कौन कितने नंबर पे रहेगा, तो वहां पर जो बैठे लोग थे उन्होंने आपको 10वें नंबर पे क्यों किया? भाई, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि सारी जलन सड़न और पीछे से पैसा खिलाया गया, पीछे से भाई ये सारा जालसाजी का खेल चला, हवाले से पैसा आया। और पुनीत सुपरस्टार को पीछे बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, कुछ उनके प्रोड्यूसर के लोग रिश्तेदार थे अंदर, कुछ प्रोड्यूसर के लोग थे। और पुनीत सुपरस्टार अपने दम पर, अपने टैलेंट पर दिल्ली से
बॉम्बे पहुंचा बिना किसी सोर्स के, बिना किसी सहारे के, और अपने टैलेंट पर, किस तरह मैंने अपना टैलेंट दिखाया। लेकिन उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों को एक ही दिन में पता लग चुका था कि पुणे सुपरस्टार विनर है, और ट्विटर ने घोषित कर दिया था कि पुणे सुपरस्टार बिग बॉस का विनर है। तो उन्होंने वहां से मोटा पैसा खिलाया, अंदर पोल कराई गई और सीधा का सीधा पैसा खिलाया गया, और 2 मिनट बाहर। और दूसरी बात है, जब जनता इस शो को, जब सलमान भाई ने ये बोल रखा है शो के लिए कि जो है जनता इस बार जनता वोट करेगी, जनता फैसला करेगी कि कौन बाहर जाएगा कौन अंदर जाएगा, तो भाई वो 10 लोग या 8 लोग वो कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि मैं बाहर जाऊंगा या अंदर जाऊंगा। जनता फैसला करेगी कि कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा, तो बिग बॉस ने या वहां का जो भी मैनेजमेंट था उन्होंने ये कौन सा फैसला लिया कि घर में रहने वाले लोगों से बता दिया कि भाई ये पुनीत को बाहर करो। भाई ये भी तो हो सकता है कि जो वो 5-6 लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया वो आपसे डर गए। भाई डर नहीं गए, सभी डर गए, सभी डर गए, उनको पता लग चुका था पुनीत सुपरस्टार। यार एक बार बताओ ना, सुनो मेरी बात को, घर के अंदर सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं पी रहे हैं और सिर्फ लोंडियाबाजी कर रहे हैं, मोटे मोटे चिकन खा रहे हैं, सिगरेटे पी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सिर्फ चिकन ही चिकन खा रहे, कुछ और कर रहे हैं। लेकिन पुनीत सुपरस्टार टैलेंट दिखा रहा था वहां पे, सिर्फ टैलेंट दिखा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो भाई बस वही वाली बात है। सही बात है भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई। एमसी स्टैंड ने आपको छपरी बोला, इस बारे में बिल्कुल भाई एक बार बताओ, उसके गाने खुद के छपरी है, एक बार बताओ उसके गाने हमें समझ में आते हैं, हमें उसके गाने खुद समझ में आते हैं, क्योंकि मेरी बात भाई मैंने एक चीज देखी है पुनीत भाई आपकी, कि आपके जो कंटेंट होते हैं, जो भी होते हैं जिससे पब्लिक हंसती है, वो कम से कम वेज होते हैं जो आप घर में फैमिली के साथ बैठकर भी देख सकते हो। आप मुझे ऐसा लगता है एमसी स्टैंड के, एमसी स्टैंड क्या स्टैंड से कि स्टैंड है, स्टैंड सॉरी मेरे को ढंग से पता भी नहीं था। तो मैं एमसी स्टैंड का जो सॉन्ग है वो कहीं हद तक आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हो, लेकिन आपके कंटेंट, मेरे कंटेंट और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके कंटेंट आप फैमिली के साथ भी सुन सकते हो। भाई भाई एक बार बताओ ना, इसमें कोई कहने की बात नहीं, उसके गाने वो सिर्फ वही लोग सुनते हैं जो सिर्फ पढ़े लिखे हैं, जो सिर्फ 20 से 22 साल के लड़के हैं कॉलेज वाले। हिंदुस्तान में 90% लोग रिक्शे वाले, ठेली वाले, रेडी वाले, कवाड़ी वाले, जो गरीब लोग हैं, हर कोई उसके गाने नहीं सुनता, हर कोई चीज समझ में नहीं आती। तो ऐसे ही भाई जिसका जो कंटेंट हो, आप तो, अब एक बार बताओ आपका जो कंटेंट है, आप मेरे कहने से अपना कंटेंट थोड़ी बदल दोगे, या आपके कहने से मैं अपना कंटेंट बदल दूंगा। चलो इंडोरी भाई, मैं कह रहा हूँ नीचे वो भाई को ऐड करना है, इंस भाई फिर मैं लीव हो रहा हूँ, फिर मिलते हैं भाई। किसको ऐड करना है बताओ? अच्छा आप ऐड कर रहे हैं क्या? हाँ बस आप लीव, मैं लीव हो रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो ठीक है ठीक है भाई। लेकिन एक आखिरी सवाल हो रहा है पब्लिक को, ये बता दो रिटर्न कब आ रहे हो भाई? रिटर्न बहुत जल्दी होने वाली है, रिटर्न और नहीं भी हुई तो यार इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोग प्यार करते हैं, यहीं अपना प्यार दिखाएंगे, यहीं से ही उठे थे, हमें बॉलीवुड बॉलीवुड वालों की जरूरत नहीं है भाई। राम 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 राम, मिलते हैं जल्दी। ओके ओके भाई, तो चलो गाइज ये हमारा लाइव था, ये अब हम लाइव को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद, और जय श्री राम, हर हर महादेव, मिलते हैं जल्दी।